हेलो हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए अकाउंटिंग से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मेरा नाम मोहसिन है और मैं आज आपको डिपॉजिट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमारी कंपनी ओपन कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों डिपॉजिट मतलब बैंक में जो आप फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट ये सब करते हैं, इसको डिपॉजिट कहते हैं। अभी मैं उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं टैली में ये आपको दिखा देता हूं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैंने आपके लिए एक लिस्ट तैयार करके रखी हुई है पहले से ही। देखिए डिपॉजिट्स के बारे में यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑन 1/4/2020 ओपन ए FD इन कोटक महिंद्रा बैंक फॉर ₹5 लाख। मतलब 1/4/2020 को इसने जो है कोटक महिंद्रा बैंक में ₹5 लाख की FD बनाई है। दोस्तों तो इसकी एंट्री कैसे पास करते हैं अभी मैं दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाइए, लेडजस्ट पे जाइए और क्रिएट पे जाके कोटक महिंद्रा बैंक FD अकाउंट आपको क्रिएट करना है। दोस्तों देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक FD अकाउंट, देखिए इस तरह से आपको क्रिएट कर लेना है। दोस्तों ये आएगा डिपॉजिट्स के अंदर, देखिए डिपॉजिट एसेट के अंदर आएगा। देखिए इस तरह से एंट्री कर दीजिए, देखिए ये हो गया। अभी आपको एंट्री पास करने के लिए अभी देखिए अकाउंटिंग वोचर्स पे जाइए, पेमेंट पे जाइए, डेट चेंज कीजिए 1/4/2020, इधर देखिए ऑन 1/4/2020 ओपन FD ₹5 लाख। अब यहाँ से कौन से बैंक से इसने FD के लिए पैसे ट्रांसफ़र किए, तो मान लीजिए कोटक महिंद्रा बैंक से किया, तो इधर ऊपर आएगा कोटक महिंद्रा बैंक, नीचे कोटक महिंद्रा बैंक FD अकाउंट, इधर आके देखिए ₹5 लाख उधर से FD अकाउंट के लिए ट्रांसफ़र हो गया। देखिए दोस्तों ट्रांसफ़र हो गया। अभी दिखा दो FD की एंट्री कैसे आएगी। देखिए बैलेंस शीट में जाइए, करेंट एसेट्स, डिपॉजिट्स, देखिए FD अकाउंट ओपन हो गया। दोस्तों इसी तरह से बाकी भी करके दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए अकाउंटिंग वोचर्स पे आइए, इधर देखिए ऑन 10/4/2020 ओपन अनदर FD इन SBI फॉर ₹3 लाख। तो डेट चेंज कीजिए 10/4, इधर आइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इधर FD कुछ भी नहीं है, तो RC SBI FD अकाउंट करके क्रिएट कर लीजिए, डिपॉजिट के अंदर ही आएगा। एंटर 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 कर दीजिए, हो गया कितना, ₹3 लाख। तो देखिए दोस्तों ये भी हो गया। नेक्स्ट है देखिए, ऑन 20/4/2020 ओपन ए RD अकाउंट इन HDFC फॉर ₹2000 पर मंथ। इसका मतलब है RD का मतलब है दोस्तों रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब ये फिक्स्ड नहीं होता, हर महीना सम पार्ट ऑफ द अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। जैसे देखिए 2000 पर मंथ है, हर महीना 2000 पे करना पड़ता है। दोस्तों जब एक साल पूरा हो जाएगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला के वो वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। दोस्तों तो 20/4/2020 अभी देखिए RD अकाउंट ओपन किया है इसने, तो HDFC बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, इधर RC HDFC RD अकाउंट, ठीक है ये भी डिपॉजिट में ही आएगा। एंटर एंटर कर दीजिए, यहाँ पे ₹2000 डाल दीजिए, ये हर महीना एक एक एंट्री जाएगी। दोस्तों जैसे फिक्स डिपॉजिट में सिंगल गया था वैसा नहीं है इसमें, इतना हर महीना एक एक एंट्री जाएगी। तो नेक्स्ट क्या है देखिए, ऑन 5/4/2020 में टेलीफोन डिपॉजिट ऑफ ₹5000, मतलब टेलीफोन के लिए इसने ₹5000 डिपॉजिट किए हैं। दोस्तों तो उसकी एंट्री डालने के लिए 5/4, देखिए जैसे भी पे किया हो, अगर कैश में पे कर गया तो ऊपर कैश डाल लीजिए, बैंक में तो बैंक में अभी कैश में दिखा देता हूँ आपको। देखिए ऊपर कैश कैश में डालिए, इधर आके टेलीफोन डिपॉजिट RC टेलीफोन डिपॉजिट, अंदर डिपॉजिट क्या आएगा देखिए ₹5000, बस हो गया। फिर दूसरा ऑन 2/4/2020 मेड इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट ₹10000, देखिए ऑन 2/4 ये भी कैश में कर लेते हैं। देखिए RC, देखिए दोस्तों आप यहाँ पे चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट भी डाल सकते हैं या तो अपने इसका नाम भी डाल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का नाम, जैसे इसमें कर्नाटक में चेस्कॉम है तो देखिए चेस्कॉम डिपॉजिट ऐसे भी डाल सकते हैं। दोस्तों
डालने के बाद डिपॉजिट के अंदर ही रखिए उसको, नीचे एंटर एंटर कर दीजिए, फिर कैश में 10,000 रुपीज जस्ट हो गया। देखिए अभी मैं बैलेंस शीट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए बैलेंस शीट, करेंट एसेट्स, डिपॉजिट्स, आपके जितने भी डिपॉजिट्स हैं देखिए दोस्तों यहाँ पे आके सब जमा हो गए। अभी देखिए आरडी अकाउंट का मैं दिखा देता हूँ आपको, 2,000 रुपीज़ पर मंथ पे किया था इसने। अभी हर महीना मान लीजिए हर महीना 20th को ही जाएगा, तो 20th 2020 के आपको HDFC फिर HDFC RD अकाउंट 2,000 रुपीज़, इस तरह से आपको हर महीना एंट्री पास करनी पड़ती है। तो जब एक फिक्स अमाउंट हो जाएगा मार्च के बाद, एक साल होने के बाद, अभी देखिए दोस्तों इसने अप्रैल में ओपन किया था, मार्च तक इसको पे करना है, फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल में इसको इंटरेस्ट के साथ ये पैसा वापस आ जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको एक अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।